हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर रूम। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे टेस्ला कॉइल बनाने के लिए, तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल बनाने जा रहा हूं। इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट का आवश्यकता पड़ेगा, तो यह बहुत ही सिंपल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी कॉइल के लिए मैं एक पीवीसी पाइप ले रहा हूँ 30 सेंटीमीटर का, और इसमें मैं 1000 टन्स 32 नंबर का कॉपर वायर लगा दे रहा हूँ। तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। फाइनली 5 घंटा के मेहनत करने के बाद यह क्वाइल रेडी हो चुका है, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहां पर देख सकते हैं एक नीचे से वायर निकला है और एक ऊपर से निकला हुआ है। अब इस क्वाइल को फिक्स करने के लिए मैं प्लास्टिक का सीट ले रहा हूं और इसको यहां पर फिक्स कर दे रहा हूं। इसमें जो ग्राउंड वायर है, इसके लिए मैं इसके बीचों बीच होल कर दे रहा हूं, जिससे यह बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर ड्रिल हो चुका है, तो चलिए अब इसको इसमें फिक्स करते हैं। सेकेंडरी कॉइल फिक्स हो चुका है, तो चलिए अब प्राइमरी कॉइल तैयार कर लेते हैं इस मोटे से कॉपर वायर से। यह इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसको मैं फिक्स करूंगा इस पर। यहाँ पर देख सकते हैं एक बोतल का एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से काट लिया हूँ। चलिए अब इसको मोड़ लेते हैं। इसको मैं 6 टर्न मोड़ लिया हूँ। अब इसको मैं टेप से फिक्स कर दे रहा हूँ ताकि यह मूव नहीं कर सके। अब हमारा प्राइमरी क्वाइल भी तैयार हो चुका है, तो इसको हम लोग सिंपली इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर 2 वायर निकल गया है और एक वायर यहाँ पर है, एक वायर यहाँ पर है। अब मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ ये वाला हाई वोल्टेज जनरेटर। इसे मैं पिछली बार इलेक्ट्रिक मैन वाला वीडियो बनाया था, जिसमें इसका यूज करके मैं अपने बॉडी में 4 लाख वोल्ट फिक्स कर लिया था, और जैसे ही मैं किसी को टच कर रहा था तो उसे शॉक लग जा रहा था। ये कैसे डांस कर रहा है। स्टार्ट हो चुका है और ये रहा 2000 का नोट। बहुत हल्का, तो चलिए अब इसको इसमें फिक्स करते हैं। इसको पावर देने के लिए 5 वोल्ट चाहिए होता है, तो मैं इसमें यूएसबी फिक्स कर दिया हूँ, जिससे यह मोबाइल के चार्जर से भी काम करने लगेगा। तो चलिए अब इसमें स्पार्क गैप क्रिएट करते हैं। एक वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, प्राइमरी कॉइल के एक वायर में, और एक वायर में मैं एक स्क्रू फिक्स कर दे रहा हूँ, जिससे यह वायर मेल्ट नहीं होगा। अब इसको मैं सिंपली यहाँ पर रख दूंगा, जिससे इसमें स्पार्क होने लगेगा। इन सबों को मैं ग्लू से फिक्स कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सबसे सिंपल स्पार्क गैप टेस्ला कॉइल रेडी हो चुका है, वो भी बहुत कम इक्विपमेंट में। यहाँ पर देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से बना हुआ है, बहुत ही कम इक्विपमेंट का यूज किया गया है। बस यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल और एक छोटा सा स्पार्क गैप, बस इतना ही से हमारा टेस्ला कॉइल तैयार हो चुका है। अब इसके स्पार्क को अच्छे से देखने के लिए शार्प पॉइंटेड मेटल लगा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक का कैप है, तो इसमें मैं फिक्स कर दिया हूँ, और इसको इस वायर को मैं इसमें फिक्स कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पर रख दे रहा हूँ। इस सेकेंडरी कॉइल का नीचे वाला वायर ग्राउंड वायर है, तो इसको किसी तरह से मैं ग्राउंड वायर में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। मैं इसको सिंपली टेबल में ही कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इमिट कर रहा है या नहीं। अब मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो यहां पर मोबाइल का चार्जर है, यहां पर जोड़ रहा हूं। वो माय गॉड, यहां पर स्पार्क निकल रहा है। यहां पर देख सकते हैं, वो यहां पर देख सकते हैं कैसे लाइट जल रहा है वायरलेस। वो दैट्स अमेजिंग। वो और यहां आप देख सकते हैं स्पार्क गैप को। अब मैं इस बड़े से ट्यूबलाइट को इस टेस्ला कॉइल के सामने रखने जा रहा हूं और फिर देखते हैं यह ग्लो कर रहा है कि नहीं।
तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। और हमारा स्टार्ट हो चुका है टेस्ला कॉइल, और ये देखिए ग्लो कर रहा है, दैट्स अमेजिंग। वो यहां पर देख सकते हैं कैसे ग्लो कर रहा है, बड़ा सा ट्यूबलाइट। दोस्तों यह टेस्ला कॉइल तो एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ला कॉइल था, मैं आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा टेस्ला कॉइल बनाने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि उस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।